हुकूमत अगले 6 हफ्तों में अमीरों का पेट्रोल महंगा करके मोटरसाइकिल वालों और 800 सीसी से कम वाली गाड़ियों को 100 रुपए फी लीटर सस्ता पेट्रोल देने का इरादा रखती है। लेकिन पाकिस्तानी मईशत अभी इतनी हसीन तो हुई नहीं है। हुकूमत मुल्क भर में पेट्रोल की कीमत 50 रुपए बढ़ाएगी, फिर सिर्फ रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों और 800 सीसी से कम गाड़ी वाले अपने मोबाइल फोन पर कोड मंगवाकर वो कोड और अपना शनाख्ती कार्ड पंप पर एंटर करा के सस्ता पेट्रोल हासिल कर सकेंगे। साफ जाहिर है, ये जिनका भी आइडिया है वो खुद कभी पेट्रोल पंप पर नहीं गए। अगर उन गए होते तो वो जानते कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। फिर ये कि मोटरसाइकिल वालों को महीने में सिर्फ 21 लीटर सस्ता पेट्रोल मिलेगा, वो भी एक वक्त में 2 या 3 लीटर। बेचारे राइडर्स, डिलीवरी और आउटडोर वालों का सोचा ही नहीं गया, जिनका महीने का पेट्रोल खर्च कम अज कम भी 100 लीटर होता है, वो तो मारे गए। फिर आ जाए 800 सीसी से कम वाले छोटी गाड़ियों वाले। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने खुद कहा है कि छोटी गाड़ियों का महीने में 3 टैंक पेट्रोल लगता है, लेकिन हुकूमत उन्हें सिर्फ 1 टैंक सस्ता पेट्रोल देगी, यानी 50 रुपए लीटर की सब्सिडी देकर उनसे 100 रुपए निकाल लिए जाएंगे। ये एक तरह का मिडिल क्लास पर इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट बढ़ाते तो हंगामा होता। महंगाई इतनी हो गई है कि आज मिडिल क्लास वाला लोअर मिडिल क्लास में आ गया है, लेकिन हुकूमत की नजर में 1.5 लाख और 1.5 करोड़ कमाई वालों में कोई फर्क नहीं है। ये है वो बड़ा माशी प्लान जो 13 जमातों की हुकूमत के जहन से निकला है अवाम और IMF को चकराने के लिए। IMF बार बार कह रही है कि टैक्स का दायरा बढ़ाओ, भाई बद्दी की वजह से वो होता नहीं है इनसे, तो ये मार्कतुल आला आइडिया लेकर आएंगे। अब तक के प्लान के मुताबिक बसों, ट्रकों और कोच वगैरह को महंगा पेट्रोल खरीदना होगा। जाहिर है महंगाई मजीद बढ़ेगी और मोटरसाइकिल वाला सस्ता पेट्रोल लेकर दुगनी महंगाई के हाथों मारा जाएगा। सदिक मलिक साहब को उम्मीद है, प्लान अभी कोई नहीं है, सिर्फ मासूमाना सी एक उम्मीद है कि इस तरह बड़ी गाड़ी वाले छोटी गाड़ियों पर आ जाएंगे, जो माहौलियात के लिए भी अच्छा होगा। तो जनाब, हुकूमत खुद से शुरू करे ना। सरकारी गाड़ियों का महंगा पेट्रोल भी तो अवामी बजट से जाएगा। हुकूमत अपनी बड़ी बड़ी 4x4s नीलाम कर दे और आ जाए छोटी गाड़ियों पर। बल्कि मैं तो कहती हूँ हुकूमत मोटरसाइकिलों पर आ जाए, हम भी देख लेंगे सरकार को 2 पहियों पर चलते हुए।